तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज का साथ है कौनी गेम प्ले वीडियो में। चलो आज हम कहते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। और आपको शुरुआत में सबसे एक ही बंदा दिखा होगा, मेरे को भी एक ही दिखा था, लेकिन यहाँ पर होता था कि साथी भाई बस देखो क्या होता है। पूरी की पूरी स्क्वाड उतर जाती है, और मतलब शायद बंदों की लेट लैंडिंग हुई थी इसलिए बंदे उधर उतर जाते हैं। और भाई यहाँ पर एक और बंदा दिखता है मुझे, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर हेलमेट तो था नहीं, और मुझे सामने की तरफ मतलब येलो वाले हाउस में एक बंदा भी दिखता है, तो मैं उस बंदे को फिनिश करने में ज्यादा रिस्क नहीं लेता। और तभी मुझे यार बंदा दिखता है जो कि भाई मेरे ऊपर क्लोज इन कर रहा था, तो मैं जिसे थोड़ा बहुत डैमेज देता था, लेकिन भाई सबसे पहले कवर में आता हूँ क्योंकि भाई सामने की तरफ से मुझे कोई भी निपटा सकता था, क्योंकि भाई हेलमेट तो था नहीं, तो भाई ज्यादा बुलेट्स मारने भी नहीं पड़ती हेड पर। और अगर कुछ हेड कनेक्ट हो जाते तो भाई यहाँ पर मतलब समझ सकते हैं यार आप लोग कितनी जल्दी पीटी बनती है। अब जैसे यहाँ पर मैं नीचे की तरफ लूट करने के लिए आता हूँ, वो बंदा भाई मेरे ऊपर एम लेके बैठा होता है, मेरे को मारने की ट्राई करता है, लेकिन भाई मैं बच जाता हूँ। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं छत के ऊपर से एंगल बनाने के लिए जा रहा था, मुझे तभी पीछे की साइड से कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब क्योंकि भाई एक बंदा मेरे पीछे पड़ चुका था और मेरे को हीलिंग्स की तलाश थी, तभी मुझे लकीली भाई ये बैंडेजेस मिल जाते हैं, तो ये उठाकर सदैव मैं मतलब हील विल मारता हूँ, उसके बाद निपटाते हैं बंदों को। तो बस देखो, अब मैं जो तब यहाँ पर छुप छुप के हील मारा था, तभी ये वाला बंदा यहाँ पर आके बैठ जाता और भाई मतलब मार आते मेरे हाथों, क्योंकि भाई मतलब ये बंदा सोचा था कि मैं इधर से जा चुका हूँ, मतलब खतरनाक वाला थोड़ा सा होल्ड करने की ट्राई करता कि मैं अपने टीममेट को कवर दे सकूं, लेकिन भाई निपटा देते असल बंदे को भी। उसके बाद उस बंदे का भी किल मिल जाता जिसे मैंने नॉक किया था। और तभी क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम पे बंदे मतलब रेड हाउस के आसपास ही देखे थे, तो मैं जो अपना मतलब ध्यान था सामने की तरफ ही रखता था, लेकिन भाई वो जो बंदे थे लूट की तलाश में स्क्वाड हाउस के अंदर आए थे, तो मैं सबसे पहले टॉप पर जाता हूँ क्योंकि वहाँ से अच्छा एंगल मिल सकता था मुझे। और तभी मुझे बंदा भी दिख जाता है खिड़की के पास। तो बस देखो, अब यहाँ पर मैं मानने के ट्राई तो करता, लेकिन मैं बंदे को पता लग जाता और बंदा मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाता है। अब यहाँ पर मैं एक नेट भी कुक करता, लेकिन भाई ये भी उस बंदे को पता लग जाता और बंदा मतलब नीचे की तरफ कूद जाता है, तो यहाँ पर भाई मेरे को ही पुश करना पड़ता है। तो बस देखो, अभी सोलो बंदे को तो यहाँ पर इजीली निपटाए थे, लेकिन भाई जैसे यहाँ पर मैं इस बंदे को निपटाता हूँ, भाई सामने की तरफ से मिनी 14 चलती है, और शायद वो बंदे मेरे को एक शॉट कनेक्ट भी कर देते हैं, जिसके कारण मेरी हील है मतलब इस बंदे को नॉक करने के बाद भी जाती है फिलहाल। अब क्योंकि मैंने इस बंदे को लास्ट टाइम मतलब इसे येलो वाले हाउस में देखा था, तो मैं पूरा राइट फ्लैंक मार के मतलब क्लोज इन करता हूँ, और उसके बाद एक नेट कुक करके फेंकता हूँ जहाँ पर मैंने उस बंदे को लास्ट टाइम देखा था, लेकिन वो जो बंदा था वहाँ पर होता ही नहीं, तो भाई मैं मतलब जाकर चेक करता हूँ बंदा गया तो गया का। और जैसे यहाँ पर मतलब टॉप पर आता हूँ, इस बंदे को मैंने शुरुआत में ही नॉक करा था, तो इस बंदे के पास हीलिंग्स तो था नहीं, तो बंदा पीछे की तरफ भाग रहा था मतलब फॉल बैक कर रहा था, लेकिन भाई दिख जाते हैं बंदा लकी और भाई इस बंदे को निपटाए थे फिलहाल। उसके बाद मैं जो था गोटा के सबसे पहले बंदों की तलाश में निकल जाता, उसके बाद मैं सीधा इस वाले जगह पर आता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ जस्ट सामने से मेरे को कुछ गन जम जाता है, तो मैं जाके चेक करता हूँ। अब इस बंदे को यहाँ पर नॉक और फिनिश करिए, तो लेकिन भाई क्योंकि भाई पीछे की साइड से भी कोई बंदा मार सकता था और मैं बिल्कुल ओपन में था, तो भाई मतलब सबसे पहले यहाँ से मैं निकलता हूँ और उसके बाद सामने की तरफ पुश करता हूँ, क्योंकि भाई सामने की तरफ भी बंदे थे। तो बस देखना, और फाइनल यहाँ पर एक स्क्वाड तो हमारे आए थे। अब देखो यहाँ पर मैं एक स्क्वाड इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दो दो स्क्वाड्स की फाइट चलती थी, लेकिन भाई मैंने तो यहाँ पर एक ही बंदे को मतलब एक ही स्क्वाड के फिनिश किया है, और बाकी जो दूसरे स्क्वाड के बंदे थे वो पता नहीं कहाँ है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक ओपन में रहता भी नहीं हूँ। और उसके बाद इसी की क्रेट लूटने के बाद मैं गोटा के सीधे यहाँ से निकला तो बंदों की तलाश में।
मैं यहाँ पर बस चेक करने के लिए था कि भाई बंदे है कि नहीं, और मेरी लकीली यहाँ पर गाड़ी ठुक जाते और भाई बंदे मेरे पर फायर करते हैं। और तभी वाली गाड़ी दिखती है, अब यहाँ पर भी ऐसे दो दो स्कॉट्स के बंदे थे क्योंकि भाई मतलब फाइट करते हैं ये बंदे आपस में। अब लेफ्ट वाले बंदे को शायद ये नहीं पता था कि मैं उस बंदे को देख सकता हूँ, और बंदा मतलब खतरनाक फरा इस वाले बंदे पे एम ले रहा था शायद से। तो उस वाले बंदे को निपटाने के बाद यहाँ पर भाई बारी थी इस वाले बंदे की, मतलब जो कि भाई सामने स्क्वाड हाउस में था। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास चार चार स्मोक्स है, तो भाई यहाँ पर मैं मदद लेने के फुल ट्राई करता हूँ, मतलब सारे के सारे स्मोक्स सामने की तरफ फेंक देता हूँ ताकि मैं पुश कर सकूँ उस बंदे पे। अब क्योंकि पीछे साइड भी मेरे बंदे आ चुके थे, तो भाई मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि सबसे पहले इसी बंदे को पुश करके निपटाते क्योंकि भाई दोनों बंदे अगर मतलब बाद में परेशानी करेंगे ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो इसी बंदे पर पुश करते सबसे पहले, लेकिन भाई इस बंदे के हाथ में बस देखो कौन सी गन थी। और यहाँ पर सच बताओ तो भाई मैं एके या फिर M4 से कुछ कर तो सकता नहीं था यहाँ पर, अगर मतलब सही से मारता हो बंदा तो। लेकिन भाई यहाँ पर मैं लकीली बच जाता हूँ। अब जो यहाँ पर सीन कहते हैं कि मैं S12 का उठा लेता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ा के सीधा यहाँ से निकल लेता हूँ जोन में। अब मैं जा तो जोन ही में रहा था, लेकिन भाई लेफ्ट साइड बंदे थोड़ा मेरे को आ जाता है लालच, तो मैं अभी गाड़ी सीधा स्लैम मार देता हूँ। और मेरे को यहाँ पर लगा ही था कि भाई RPG इधर ही कहीं चली है, तो मैं सबसे पहले कवर में भागता हूँ और भाई बच जाते हैं एट द एंड। अब मुझे यहाँ पर लगता है कि भाई RPG वाला बंदा यही है क्योंकि मैं मतलब इधर साइड से RPG चली थी, लेकिन भाई RPG तो मतलब काफी ज्यादा दूर से चली थी, मतलब स्टेडियम साइड से चली थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं छत पे भागता हूँ क्योंकि छत के ऊपर से काफी अच्छा एंगल मिल सकता था मेरे को, लेकिन बंदे यहाँ पर थोड़े से चलाक थे। अब यहाँ पर मैं छत के ऊपर तो आया था एंगल की तलाश में, लेकिन भाई एंगल तो मेरे को यहाँ से मिलता है ना, तो भाई मेरे को जोन में भी जाना था क्योंकि जोन स्टार्ट हो चुका था और जो सामने वाला बंदा था वो भाई कब का जोन में निकल चुका है, तो भाई मेरे को भी जाना था यहाँ पर जोन में। तो मैं सबसे पहले जोन में पहुंचता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं रास्ते में होता हूँ भाई बंदा दिखता मुझे वाला, तो बस देखना। और भाई मुझे मालूम है आप लोगों को अभी तक स्प्रेज में मज़ा आ रहा है, और मतलब पिछला स्प्रे भी मैंने कहीं दिया था तो मतलब वो भी आप लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन भाई आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो भाई क्या कर रहे हो यार, जाके सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन होगा, आपको पता ना कैसे सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद भाई बेल आइकन भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल वो जो बंदा था भाई मेरे ऊपर RPG चला था और मैं लकीली यहाँ पर बच जाता हूँ क्योंकि डिस्टेंस शायद से ज्यादा था। तो उसके बाद मैं गाटा के सीधा जोन में आता हूँ, और जोन में आने के बाद सबसे पहले मैं कवर बनाता हूँ क्योंकि उन बंदों को बिल्कुल ओपन में आना था, और मतलब इसी का कवर लेकर मेरे को उन बंदों को निपटाना भी था, लेकिन भाई सिचुएशन बिल्कुल अलग होने वाले, मतलब बिल्कुल डिफरेंट होने वाले, तो बस देखना। अब क्योंकि ये गाड़ी जोन के बाहर से आई थी, तो मेरे को यहाँ पर यही लग रहा था कि भाई RPG वाला बंदा नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस बंदे को इजीली निपटा सकता हूँ, लेकिन भाई बस देखो यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ।
अब राइट साइड जो सामने की तरफ आरपीजी वाला बंदा था, इस बंदे के सारी एमो शायद से यहाँ पर समाप्त हो गई थी। तो भाई अब बारी थी इस बंदे को सजा देने की, तो बस देख है ना। और फाइनल यहाँ पर भाई इस आरपीजी वाले बंदे के साथ ही साथ भाई इन दोनों का भी निपटा है। तो इसी के साथ हमें मिल जाता है चिकन है। तो कैसे थे इसकी गेम प्रॉब्लम, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक जो कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर ऐसे तो गेम प्ले वीडियो देखने को मिल जाए। इसके अलावा जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जाकर सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना और डिस्कॉर्ड से भी जाकर ज्वाइन कर लेना। तीनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसे थे इसकी गेम प्रॉब्लम, मतलब नेक्स्ट गेम प्रॉब्लम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।